अब मुझे समझ नहीं आ रही, तुम अपनी बातें स्टार्ट बीच में। एएम लाइफस्टाइल में आपका खुशामदीद, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और अपने घरों में खुशबाश होंगे। खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हम लोग 3 दिनों से बहुत बिजी चल रहे हैं, और एक बड़ा ख़ास प्रोजेक्ट खुदा ने हमारे पास भेज दिया है। वो आपको दिखाते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या है। और वो इस वक्त हैं 3 बिल्ली के बच्चे, जो के हमारे घर में बिल्ली ने दिए थे। ये इसके ऊपर ये इसलिए रखा हुआ था। ये देखें ये कैसे घूम फिर रहे हैं। और तो इसको हम 3 दिन से जो है ना ये आ गए हैं। इनकी मामा, मैंने बचपन से देखा था कि जो बिल्लियाँ होती हैं वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती और बहुत केयर करती हैं। और हमने बचपन में बहुत ज़्यादा जो किटन हैं वो पाले हैं। अब ये देखें ये 3 बच्चे हैं, और ये तो फिर भी दूध पी लेता है, बड़ा मुश्किल है। और आप लोग एक चीज़ और देखोगे कि जैसे मैं इसको दूध पिला रही हूँ वो तरीका तो बिल्कुल गलत है, लेकिन मैंने इनको सही तरीके से 3 दिन से दूध पिलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो पीता ही नहीं है। ये तो फिर भी पीता है। आप दूसरों को ज़रा देखना कि वो बिल्कुल दूध नहीं पीना चाहते। और हमें अगर इनको ज़िंदा रखना है तो हमें इनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह दूध पिलाया है। आज तीसरा दिन हो गया है। इनको हमने अपने गैलरी से उठाया है, ऊपर की गैलरी से। वहाँ ये चीखता जा रहा था, यही बेचारा ज़्यादा चीखता है और यही थोड़ा एक्टिव भी है। और ये बेचारे बहुत ही, इनके साथ परेशानी वाली बात हो गई है कि इनकी मामा पता नहीं कहाँ चली गई है। वरना बिल्ली कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। खुदा करे कि वो खैरियत से हो और सही सलामत वापस आ जाए। और कल का जो दिन था वो बहुत ठंडा था, तो कल हम इनको बाहर भी नहीं निकाल सके कि इनको धूप लगती बेचारों को। अगर इनकी मॉम कहीं से आ जाती, इनको देख लेती, तो ये हम चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए, लेकिन कल नहीं हो सका। तो आज जो है वो धूप निकली है, तो इसलिए कोशिश है कि हम इनको बाहर रखें और फिर इनकी मॉम आ जाए और वो इनको देख ले तो ये बच्चे खुश हो जाए। हम चाहते हैं कि खुदा इनको जो है वो ज़िंदगी मिल जाए और ये ज़िंदा रहें। और खुदा ने इनको हमारे तक जो आ गए हैं ये लोग, क्योंकि हमने बचपन में बहुत सारे डॉग्स और कैट्स तो ऐसे ही जो स्ट्रीट्स वाली होती थी वही हमारी कैट्स होती थी, लेकिन जो डॉग होते थे वो दूसरे होते थे। जैसे किसी ने कोई किसी के घर बच्चे हैं ज़्यादा हैं तो उन्होंने हमें दे दिया, तो ऐसे किया है। लेकिन मैंने ये किस्सा पहली दफ़ा देखा है कि कोई जो बच्चे हैं वो मिले तो हैं, लेकिन ये जो हैं ये देखें। अभी शुक्र है खुदा का आज इनको धूप लगी है तो थोड़ी सी इनको होश भी आई है और अब ये दूध पीने लगे हैं। सिरिंज की थोड़ी सी इनको वाकफियत हो गई है, तो खुदा का शुक्र है। आज मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से, बड़ी मुतमईन हूँ कि इनको इसकी वाकफियत हो गई है, अब ये दूध पीने लग गए हैं। तो ये जो है ना इनको दूध पिलाना बहुत बहुत मुश्किल है। ये लोग मुंह नहीं खोलते हैं, बहुत मुश्किल से मुंह खोलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होएगा कि अगर इन लोगों को मैं बचा ना सकी तो। के कोशिश तो बहुत कर रहे हैं 3 दिन से इनको के कुछ ना कुछ खुदा हल निकाले, किसी तरीके से इनकी मॉम आ जाए और ये खाएं पिएं और अच्छे से इनका पेट भरे। लेकिन ये बच्चों को ना माँ ही चाहिए, जाहिर है कि माँ के बगैर तो कोई इंसान नहीं पाल सकता इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि ये लोग अपनी माँ का दूध पीते हैं और माँ इनको फिर चाटती रहती है, साफ़ करती रहती है। कल से हमने इनको 2 दफ़ा तो बात ही दिया है पानी गर्म कर करके, क्योंकि इन पे बहुत सारी चूंटियाँ भी थीं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। और मैं आपको भी कपड़े भी दिखाऊंगी, वो देखें ज़रा कपड़े दिखाएं। हमने रात को ही धो के फैला दिए थे कि सुबह इनको धूप लगे
और ये सूख जाए सुबह तक। और खुदा का शुक्र ये है, मैं तो बड़ी एहसानमंद हूँ अपने रब की कि वो धूप निकली है और वो कपड़े सूख भी गए हैं, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे लग रहा था कि हमारे घर के बाहर ना मिलते हैं वो टॉवल्स के ना छोटे छोटे पीसेस सस्ते मिल जाते हैं, वरना मैंने एक लड़के को कहा था कि ना तुम प्लीज़ हमें वहाँ से टॉवल्स ला दो ताकि हम इनको बार बार बदल सकें, क्योंकि मुझे इनको ज़्यादा संभालना तो नहीं आ रहा। लेकिन अब शुक्र है खुदा का कि अब इसने पी लिया, धूप में आके ये थोड़े से जो है ना एक्टिव हुए हैं, थोड़े से इनको समझ आई है खाने पीने की, वरना तो ये बिल्कुल खाने पीने का चक्कर कर ही नहीं थे रहे, बहुत मुश्किल से। आज पहला दिन है कि धूप में आए हैं तो इनको थोड़ी सी होश भी आ गई है और इन्होंने पेट भर के दूध भी पिया है। तो मैं चाहती हूँ कि बस खुदा करे कि ये इतना काबिल हो जाएं कि चलने फिरने लग जाएं, तो फिर ये बाहर निकल सकेंगे, घूमें फिरेंगे, उनको कोई किसी की ज़रूरत ना होगी। ये तो बेचारा, ये जो है ये तो बहुत ही वीक है, ये जो है ना ये बहुत वीक है। वो जो है ना वो बाहुबली है, वो बाहुबली जा रहा है, और ये जो है ये जो है ये उससे थोड़ा सा एक्टिव है। लेकिन ये जो है बेचारा जिसको अभी मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये बहुत वीक है और बिल्कुल घूमता बहुत ज़्यादा है। इसने मेरे बाजू में दर्द करवा दी है, ये बहुत ज़्यादा घूमता है और मुंह नहीं खोलता। आप देखो ज़रा इसको, ये क्या कर रहा है। हाँ ये देखें ज़रा ये क्या कर रहा है। तो मैं इसको दूध पिलाना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से पिलाती हूँ, और यूट्यूब से हमने जाकर देखा है, क्योंकि हमने जो बच्चे पाले थे वो माओं के साथ पाले थे, अकेले नहीं थे पाले। हम सिर्फ माँ को दूध देते थे तो माँ अपने बच्चों को फीड करा देती थी, हम माँ को या बच्चों को बस प्यार करके छोड़ देते थे। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में कि मुझे तीन बच्चों को जो है वो पालना पड़ रहा है बिना माँ के, और बहुत ज़्यादा ये मुश्किल टास्क है। और अब खुदा का शुक्र है ये थोड़ा सा आज का दिन जो है ये बड़ा लकी डे है। खुदा की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने रब की कि अब आज इसने थोड़ा सा दूध पिया। ये बहुत वीक है और ये खाता पीता भी नहीं है और मुंह भी नहीं खोलता। आज ये थोड़ा सा मैं इसमें कामयाब हुई हूँ इसको दूध पिलाने में, वरना तो ये बहुत मुश्किल है इनको दूध पिलाना, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो है ना मुझे माँ के बगैर बच्चे पालने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और मैंने यूट्यूब पे ये भी सुना है कि इस तरह अगर आप इनको दूध पिलाते हैं तो वो उनकी सांस की नाली में जा सकता है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं चाहती हूँ ये आप भी दुआ करना सारे कि ये इस काबिल हो जाएं कि ये खुद से प्याली में से दूध पी सकें, बस ये दुआ है मेरी। क्योंकि जब ये खुद से दूध पीने लग गए ना फिर पेट भर जाया करेगा, तंदुरुस्त सेहतमंद हो जाएंगे और हमारी फिक्र भी कम हो जाएगी। आज मैंने करना तो कुछ और ही था, काम और थे छोटे छोटे, धूप निकली थी तो मैं कह रही थी कि धूप है और बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन अभी इन बच्चों की वजह से अभी इनको खिलाना पिलाना है, इनको ठीक तरीके से रखना है, तो अभी थोड़ी सी जो मेरी मसरूफियत है वो नेल मार रहा है बड़ी ज़ोर ज़ोर से। अभी इनको को काटा भी नहीं जा सकता क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं और मुझे ये एक्सपीरियंस भी नहीं है कि इनको दूध पिलाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। हर काम ही इनका बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं डरती थी बहुत, लेकिन 3 दिन में मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हो गया। तो खुदा का शुक्र है कि अब मुझे आज थोड़ी सी मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, मुझे लग रहा है आज कि मैं इनको इस काबिल कर दूंगी कि ये प्यालियों से खुद दूध पी सकें और बड़े हो जाएंगे। और मम्मा तो इनकी जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि वो इस दुनिया में है, अगर होती अगर तो वो ज़रूर आ जाती, लेकिन खुदा करे ये बात भी झूठी साबित हो और वो आ ही जाए, क्योंकि
जो है ना, ये चीज़ मेरे लिए बड़ी तलख है कि हाँ। हेलो, चलो बुग्गा खोलो, क्योंकि देखो हड्डियाँ मजबूत होती हैं धूप से, धूप में आने से इनको काफ़ी जो है होश आई है, और काफ़ी ये जो हैं अब चल फिर रहे हैं, और लग रहा है कि ज़िंदगी की कोई उम्मीद मुझे अब इनमें नज़र आ रही है। हाँ हेलो हेलो, ये बाहुबली है और ये जो है ये सिम्बा है। नहीं, वो वीक है। ये वीक है। टांगे देखो क्या, ये हाँ, वीक है। मैं उसको समझ रही नहीं थी। नहीं ब्राउन जिसका आगे है ना वो वीक है। हाँ बेटे ऐसे दरवाजा खोलने में ना, दोनों को सीढ़ी में रख दो।